गया में शोरूम से कार मंगाकर लूट करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लोग शोरूम से कार मंगाकर पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार अपराधियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस लगातार इनसे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। रुंगनी हुंडई जो जहानाबाद में शोरूम है, वहाँ के मालिक का फ़ोन आया कि इनके गाड़ी जो है क्रेटा गाड़ी, किसी ने बोला कि टेस्ट ड्राइव हमें करना है गाड़ी का और हमें सर्वदाओपी में स्थित एक स्थान पे ले आइए और हम वहीं पे पसंद करेंगे। और इसी जब उनकी गाड़ी वहाँ पे गई तो हथियार के बल पर उनकी गाड़ी को लूट लिया गया। एक टीम का गठन तुरंत किया गया। तकरीबन 6 घंटे के अंदर हमने इस क्रेटा गाड़ी को बरामद किया और हमें ये भी सूचना मिली थी कि जो क्रेटा गाड़ी जो लूटा गया था उसको लूटने में बुलेट मोटरसाइकिल का भी प्रयोग किया गया था और 7-8 लोग की संख्या में लोग थे। और लूट के क्रम में जो दो अपराधकर्मी थे उनको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में बिचौंग चक्रवात के चलते परेशानियां बढ़ने लगी हैं। कोहरे की वजह से परेशानी की लगभग आपको बता दें कि परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। राजधानी की बात कर ली जाए तो राजधानी की लगभग 5 फ्लाइट डिले हो गई है, साथ ही एक फ्लाइट रद्द हो गई है। बता दें कि पूरे प्रदेश में जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे घना कोहरा छा गया है, जिसके चलते कई फ्लाइट्स समय से पीछे चल रही है। अब तक दिल्ली जाने वाली 3 फ्लाइट और मुंबई जाने वाली 1 फ्लाइट समय से पीछे चल रही है। जगदलपुर जाने वाली फ्लाइट को भी रद्द कर दिया गया है।